पत्थर पड़े हैं गुजरात के नजदीक स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के लिए। एक ऐसा मंदिर जो कि हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसकी पूरे विश्व भर में अलग पहचान है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नित्य एक अनोखे मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यही समुद्र जो मंदिर से दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वीडियो में आप पूरे बने रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस समुद्र के द्वारा बाबा का अभिषेक करते हुए इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा और यहाँ के महंत जी के द्वारा इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में भी आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य पाएं पूरी जानकारियां, हमेशा नए नए मंदिर और नए नए स्थानों के बारे में वहां के पंडितों के द्वारा। आज हम दोस्तों मौजूद हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बड़ौदा से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसा स्थान जहां पर कहा जाता है कि बब्रिक के द्वारा भी यहां पूजा की गई थी और तपस्या की गई थी। तो आइए दर्शन करेंगे और यहां से, यहां के गुरु महाराज से और यहां के भक्तों से और यहां के आचार्यों से जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर की भव्यता, प्राचीनता और इसके बारे में जुड़ी हुई कई सारी किंवदंतियों से। ये एक ऐसा मंदिर है जो कि दिन में दो बार नित्य समुद्र के आगोश में समा जाता है और समुद्र जो कि स्वयं अपनी लहरों से शिवलिंग का अभिषेक करता है। एक ऐसा दिव्य मंदिर हम दर्शन करते हैं अंदर महादेव शिवलिंग स्तंभेश्वर महादेव के। अब आ चुके हैं हम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ आने पर सर्वप्रथम हमें सीढ़ियाँ चढ़ के नंदी महाराज जो स्थापित हैं उनके ही दर्शन करके हम महादेव के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। तो प्रथम यहाँ पर नंदी महाराज एक बहुत अच्छे विशाल सुर में विराजित हैं और उसके पश्चात नीचे उतर के, और यहाँ विशेष बात यह है कि यहाँ हर समुदाय के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का एक अच्छा क्राउड सदैव यहाँ पर उपलब्ध रहता है। चारों तरफ का समुद्र का मनोरम दृश्य यहाँ भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लुभाता है। इन रेलिंगों के माध्यम से निकल करके हम महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ पाते हैं। ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये नया किया गया है। चंद सालों पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। अभी करीब 4 बजे का समय हो रहा है और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि महादेव के दर्शन करने के लिए हम बिना किसी पानी के बहाव के या समुद्र की लहरों के दर्शन करने के लिए जा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद 5:30-5:30 के आसपास समुद्र की लहरें इस मंदिर को पूरी तरह से अपने आगोश में समा लेंगी। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। गर्भगृह में जैसे ही हम आते हैं, द्वार पर ही हमें महादेव के अभिन्न भक्त नंदी के दर्शन होते हैं। प्राचीन नंदी के स्वरूप में आगे विराजित हैं और अंदर एक अति प्राचीन महादेव शिवलिंग के दर्शन भक्त करके दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। पालन करता ओम हर 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 महादेव। अभी हमने स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए, प्रभु के साक्षात दर्शन हमें हुए हैं। अब इस स्थान की प्राचीनता और इस स्थान से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उसके बारे में यहाँ के जो गुरु हैं, जो विगत कई वर्षों से यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं या पूजा अर्चना कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की भव्यता क्या है, प्राचीनता क्या है और इस मंदिर से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ और किंवदंतियाँ। चलते हैं यहाँ के गुरु महाराज के पास। आज हम मौजूद हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पर। इसका वास्तविक इतिहास क्या रहा और इसकी वास्तविकता क्या है और कितनी सी प्राचीनता है, इसके बारे में हम यहाँ के ही गुरु महाराज से चर्चा करके आप सब लोगों के सामने
कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का वास्तविक चित्रण, वास्तविक इतिहास आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का। मतलब इसका मंदिर का पुराना वास्तविक इतिहास क्या रहा है? इसमें क्या है कि अपने पास स्कंद महापुराण करके एक धर्म ग्रंथ है जी, है, इसका है। जो है ये इस प्रकार से चौखंबा प्रिंटिंग प्रेस से इसको निकाला गया है जी। तो इस ग्रंथ में इसमें 82,000 श्लोक हैं इस ग्रंथ में, और उस 82,000 श्लोकों में ऐसे ऐसे लगभग 7 भाग में इस ग्रंथ को बनाया गया है। लगभग 12,000 पेज जो है इस ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो इस ग्रंथ में 550 पेज का इतिहास जो है इसी मंदिर का है, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यानी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास की शुरुआत वहाँ से होती है कि जो है अर्जुन जो थे हैं घूमते 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 इस महीसागर संगम तीर्थ में आए थे। तो महीसागर संगम तीर्थ में जब यहाँ पर आए तो उनको यहाँ पर नारद जी की मुलाकात यहाँ पर हुई, और नारद जी की मुलाकात होने के बाद में नारद जी ने अर्जुन को यहाँ का इतिहास बताया। उस इतिहास में ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पर जो है मही और समुद्र का संगम होता है। मही नदी जो है वो मालवा से निकलती है, और मालवा से निकल करके राजस्थान होती हुई वो यहाँ पर आकर के पूरी हो जाती है। तो जहाँ पर मही और समुद्र का संगम होता है तो वहाँ का इतिहास जो है, वहाँ की पवित्रता जो है, नारद जी ने बताया है कि दुनिया में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उन सभी तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है वो सब फल जो है यहाँ पर आने से भी प्राप्त होता है। हजारों हजारों नदियों का यहाँ पर संगम है, और सभी के संगम से इस नदी की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर उसके बाद में ऐसा लिखते हैं कि नारद जी जो थे वो पूरी पृथ्वी पर घूमे, और उनके मन में एक विचार ऐसा हुआ कि मैं विद्वान ब्राह्मणों को कहीं से लाऊं और मैं भूमि दान करूं। तो उनके मन में जब ये विचार आया तब नारद जी जो थे वो तो अकिंचन ब्राह्मण थे, क्या उनके अंदर मांगने का विषय था नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं भूमि कहाँ से लाऊंगा। तो उनके मन में विचार होता होता इसी वो आकर के इसी जगह यहाँ पर बैठे। तो इतने में जो है 2, 5, 10, 15 ब्राह्मण क्या वहाँ से पसार हुए, घूमते घूमते कहीं से आते हुए उनको दिखे। तो उन्होंने नारद जी को ब्राह्मण के रूप में देखा। तो उस समय तो क्या पैदल यात्राएं चलती थी, तो वो लोग भी नारद जी के पास आकर के बैठे, जलपान किया। तो उन्होंने बताया कि मैं सौराष्ट्र के जो राजा हैं धर्मवर्मा, तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पर उस राजा ने ऐसी वो प्रसिद्धि की हुई है कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों का कोई मुझे उत्तर देगा तो उसको जो चाहेगा वो उसे मैं प्रदान करूँगा। तो नारद जी ने उस ब्राह्मणों की जब ऐसी बात सुनी तो नारद जी के मन में उत्साह आ गया, आनंद आ गया कि चलो मेरा काम हो गया, इस राजा के जो प्रश्न हैं मैं उनका अच्छा से उत्तर दूंगा और मेरा जो काम है क्या वो पूरा हो जाएगा, क्या हमको किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा है, और उस ज्ञान के कर के द्वारा मैं इस भूमि को प्राप्त कर लूँगा। फिर यहाँ से नारद जी जो है वहाँ धर्मवर्मा के पास गए। तो धर्मवर्मा के जो 8 प्रश्न थे, खूब बढ़िया प्रश्न है उनका, स्कंद महापुराण में लगभग 22-24 पेज के अंदर पूरा आख्यान मिलता है। तो उन सभी प्रश्नों का नारद जी ने उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद में राजा को खबर पड़ी कि ये तो महर्षि नारद हैं, देव ऋषि नारद हैं। तो उसने बोला कि प्रभु ये पूरा राज्य ही तुम्हारा है, तुम्हारे जो करना हो तुम आप कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने जो है यहाँ पर 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर जमीन उन्होंने उनके पास से प्राप्त की। तो कापिला नाम की एक नगरी थी, वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने उन ब्राह्मणों की मुलाकात की। उसमें से कुछ 2, 3, 4 ब्राह्मण जिनका हारित नाम का पंडित था उनको उन्होंने तैयार किया, उसको यहाँ पर लाए, ये उन्होंने भूमि प्रदान की, और भूमि प्रदान करने के बाद में यहाँ पर संस्कृति का विकास किया गया। इसलिए एक चैप्टर तो यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर उसका ऐसा है, कि एक समय ऐसा था कि इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उन्होंने इस पृथ्वी पर यज्ञ किया था। तो इतना बड़ा यज्ञ किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी, बोलते हैं कि यहाँ की पृथ्वी जो थी ना वो 4 अंगुल ऊंची हो गई थी, इतना बड़ा यज्ञ किया था पूरी पृथ्वी पर। तो वो राजा जो है उनको उस यज्ञ के फल से उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उन्होंने हजारों साल स्वर्ग में रहे, उसके बाद उनका पुण्य क्षीण हो गया, क्षीण होने के बाद फिर यहाँ पर वो फिर धरती पर आए। तो लोमस नाम के जो ऋषि जो थे क्या, तो उन्होंने कि बोला कि भाई मैं तो नहीं जानता हूँ ऐसा कोई राजा था, तुम एक काम करो नारद जी के पास जाओ। लेकिन उसमें खूब विगतवार उनकी चर्चाएं हुई, खूब विस्तारपूर्वक उसका महत्व तो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में वो जो राजा था उसको वैराग्य हो गया,
कि भाई इतना मैंने यज्ञ किया, पूजा किया, तप किया, लेकिन इसका भी मेरे कोई फल नहीं है, मृत्यु के बाद मेरे कोई जानता ही नहीं है, इसलिए मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूंगा। तो उसको नारद जी ने ऐसा बताया, वो राजा को नारद जी की मुलाकात हुई, तो नारद जी ने बोला कि एक काम करो, तुम काशी चले जाओ। तो काशी में एक महात्मा है वहाँ पर, क्या तो वो वहाँ पर निवास करते हैं, वो तुमको तुम्हारे मोक्ष के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कराएंगे। एक तो इंद्रद्युम्न राजा था, एक कच्छप था, दो लोग दूसरे थे, वो चारों वहाँ गए। फिर उन्होंने इस तीर्थ के बारे में, सुब्रत नाम के जो मुनि थे, उन्होंने इस तीर्थ स्थान के बारे में सब बताया। उसका महत्व तो दूसरा चैप्टर वहाँ से शुरू होता है, क्या कि कोई भी आदमी किसी को भी जब शनिवार अमावस्या हो उस दिन यहाँ पर आकर के स्नान करेगा तो प्रयाग में 7 बार, पुष्कर में 9 बार और प्रभास में 11 बार जाने का जो पुण्यफल होता है वो पुण्यफल एक बार में प्राप्त होगा। ऐसा जो है सुब्रत मुनि ने उन चारों लोगों को बताया, ऐसा वरदान यहाँ पर ग्रहों ने आकर के दिया किसी लाखों साल पहले। उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई इससे बड़ा तीर्थ स्थान दुनिया में कोई नहीं है, किसी को भी अपने जीवन का उद्धार करना हो, तपस्या करनी हो, त्याग करना हो तो महीसागर संगम में जाकर के तपस्या करे, इससे बड़ा तीर्थ स्थान पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्या उसकी सब इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती है। इसके बाद में दूसरा प्रकरण यहाँ आकर के पूरा हो जाता है। तो तीसरा प्रकरण जो है क्या, तो वो कार्तिक स्वामी का यहाँ पर आता है कि ऐसा कहते हैं कि एक तारकासुर करके एक राक्षस था, तो उसको जो है ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारे को शिव जी के पुत्र के सिवाय कोई मार नहीं सकेगा। तो वो सबसे पहला अवतार जो है सनातन धर्म में भगवान कार्तिक स्वामी का हुआ, राम का त्रेता में हुआ, कृष्ण का द्वापर में हुआ, भगवान कार्तिकेय का सतयुग में हुआ, ऐसा कोई नहीं जानता है। आज पूरा दक्षिण भारत, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, श्रीलंका, ये सब राज्यों में भगवान कार्तिकेय के हजारों मंदिर है वहाँ पर, और पूरा विस्तार जो है भगवान कार्तिकेय की सेवा पूजा करता है और वो उनकी मुख्य जगह यहाँ पर है। शक्ति के जो मुख्य देवता हैं क्या, ये उनको हम लोग पूर्णावतार कहते हैं। जो भगवान राम थे वो अंशावतार थे, कृष्ण थे वो सब अंशावतार थे, लेकिन भगवान जो कार्तिकेय थे भगवान शिव के पुत्र थे और वो पूर्णावतार थे। तो उनकी उपासना और पूजा बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े महर्षि उनकी उपासना करते हैं। आज जो है जैसे बाबा हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ हैं, तो उनकी उनके जो गुरु थे, उनके जो ईश्वर थे, उनके आराध्य देव थे, वो भगवान कार्तिक स्वामी थे। आज हमारा निरंजनी अखाड़ा है, भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा है जिसमें लाखों साधु संत हैं, क्या उनके सबके इष्ट देव जो हैं भगवान कार्तिक स्वामी हैं। ऐसे हजारों इतिहास कार्तिक स्वामी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो उनका मुख्य तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर है। उन्होंने यहाँ पर आकर के तारकासुर का वध किया था। तो तारकासुर इतना बलवान था कि उसको जो है भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब अंशावतार नहीं पूर्णावतार, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया तो वो जो तारकासुर था वो सुदर्शन को निकल गया था, इतनी ताकत थी उसके पास। सुदर्शन क्या है, अपराजित अस्त्र है वो, उससे उसका उससे बड़ा दुनिया में कोई अस्त्र नहीं। तो तारकासुर उसको भी निकल गया, देवताओं को सबको भगा दिया सबको, क्या है हजारों साल तक उसने राज किया इधर पृथ्वी पर, क्या उसके बाद में कार्तिकेय का अवतार हुआ। कार्तिक स्वामी ने 6 दिन के उम्र में, 6 दिन की उम्र में यहाँ पर उन्होंने तारकासुर का वध किया था। इसलिए भगवान कार्तिक का ये मेन जगह यहाँ पर है। उसके बाद में वहाँ से आगे बढ़ते हैं, नारद जी ने यहाँ 10,000 साल तपस्या किया उन ब्राह्मणों को बसाने के बाद में, और पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता थे उन सबको यहाँ पर स्थापित किया। इसलिए इतना बड़ा महिमा, इतना बड़ा इतिहास 550 पेज का इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। तीसरा जो मुख्य अवतार ऐसा है कि जिसकी आज राजस्थान है, हरियाणा है, ये सब राज्यों में जिनकी लाखों लोग पूजा करते हैं, जिनको हम लोग बर्बरीक कहते हैं। बर्बरीक, हाँ, तो बर्बरीक नहीं, यहीं, हाँ, खाटू श्याम यहीं पर तपस्या की थी। अच्छा, यहीं से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, क्या तो वो प्रकरण भी लगभग 20-21 पेज का है। वो यही जगह है, क्या खाटू श्याम जो है जाकर के राजस्थान में जो है वहाँ प्रसिद्धि खूब है, और महीसागर संगम के बारे में तो जानता ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं जानता। तो वो सब प्रकरण यहीं पर हुए, वो घटनाएं सब यहीं घटी। वो खाटू श्याम ने सिद्धि यहीं पर प्राप्त की, नारद जी ने 10,000 साल तपस्या करके दुर्गा की स्थापना यहीं पर की, और उसी दुर्गा की स्थापना करने के बाद में खाटू श्याम ने भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ महीसागर संगम तीर्थ में, वहाँ पर जाकर के तुम तपस्या करोगे। तो नारद जी ने जो 9 दुर्गाओं की स्थापना की है, क्या उन सबकी सिद्धि तुमको वहाँ से प्राप्त होगी। तो वो यही जगह है कि ये लाखों साल पुराना शिवलिंग है, क्या और लाखों सालों से समुद्र के बीच में है,
हैं, समुद्र आते हैं जाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, और जब क्या समुद्र देवता इस शिवलिंग के सामने आते हैं तो उनकी गर्जनाएं बंद हो जाती हैं, शांत हो जाते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे फिर उनकी गर्जना शुरू होगी, बाकी यहाँ सामने आएंगे तो बंद हो जाएगा। आज भी ऐसा है। इसलिए ये समुद्र, इसके 27 फुट पानी के अंदर ये मंदिर है। कितना? 27 फुट। हाँ, तीन मंजिल के अंदर ये मंदिर है। 6 घंटे तक ये शिवलिंग पानी में रहता है और 6 घंटे के बाद पानी उतरता है, तब ये श्रद्धालु सब दर्शन करते हैं यहाँ। इसी प्रकार से रात्रि में भी वही पोजीशन है, जैसे उनके मंदिर पर एक मंजिल देख रहे हैं अभी। हाँ नहीं, नीचे बॉटम से 30 फीट है। बॉटम में 30 फीट है ये बॉटम जो है ना उसका, मंदिर का, दरिया का जो भाग है वहाँ से लेकर के जहाँ तक पानी आता है उस वो भाग 30 फीट है। 18 फुट तक तो इसका फाउंडेशन है मंदिर का। कितना? 18 फीट तक, मैंने उसके ऊपर 14-15 फीट दूसरा, 30 फीट हो जाता है लगभग। आप मेरे बिल्कुल पीछे समुद्र देख रहे हैं, यह समुद्र कुछ देर पहले तक शाम था, अब आप धीरे धीरे देखेंगे समुद्र की लहरें जैसे समय बढ़ता जाएगा ये लहरें उतनी करीब आएंगी, और जो मंदिर का शिखर आप देख रहे हैं इस शिखर तक इस मंदिर को अपनी आगोश में ले लेंगी, और महादेव के अभिषेक करते हुए ये मंदिर पूर्ण तरह समुद्र की आगोश में समा जाएगा। आप देख सकते हैं समुद्र की लहरें किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसा दृश्य है जो कि शायद विश्व में बहुत कम जगह ही देखने को मिल सकता है। अभी हम आप लोग एक गुफा को दिखाने जाएंगे हम लोग। ये एक मंदिर के में पानी प्रवेश होने का उसके पहले का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि मंदिर से शिवलिंग से और पानी में एक लंबा डिस्टेंस है, लेकिन कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में ये समुद्र मंदिर को, शिवलिंग को पूरी तरह से उनका अभिषेक करता हुआ इस पूरे मंदिर को अपने आगोश में लेने का हम दो दृश्य आपको अलग अलग दिखाएंगे। एक बड़ा दृश्य है जिसमें कि पानी, शिवलिंग बहुत दूर है, लेकिन कुछ ही क्षणों में समुद्र पूर्ण रूप से शिवलिंग को अपने आगोश में ले लेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ऐसा दृश्य है कि पानी का हमारे करीब आ चुका है, एकदम जो मंदिर का एक गोंदी भाग बना हुआ है, कॉल कॉल है, इससे नदी के पानी छूटा हुआ, और यहाँ सबको इंस्ट्रक्शन दिया चुके हैं सबने यह जगह छोड़ दें क्योंकि पानी अभी धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए शायद हमको भी जो है ये जगह छोड़ना होगी। और जो दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे शायद वो नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंदिर के अंदर पानी का प्रवेश करता हुआ आपको दिखाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो गार्ड्स हैं या पंडित हैं वो बाहर अड्डे कहते हैं और उसे पालन करें, क्योंकि सारे ये निर्देश जो हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ही हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ये पूरा दृश्य दिखाने की, और पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से दिखा पाएँ, हमारा पूरा प्रयास रहेगा।